तो भाई माफ करना, मैं एक ही दिन में इतनी जल्दी दो दो वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि भाई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल है आज, और भाई मेरे दिल में मेरे मन में जितना कुछ है मैं कहना चाहता हूं। और अभी देखो मैं वीडियो पता है क्यों बना रहा हूं, अभी कुछ देर पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वहां मैंने आपको बताया था कि पैट कमिंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वहां एक शब्दों का खेल उन्होंने खेलने की कोशिश करी थी, जहां उन्होंने कहा था कि देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का पहला मैच हुआ था वर्ल्ड कप 2023 में, वहां तो विराट कोहली का एक कैच छूट गया, वरना ऑस्ट्रेलिया तो वो मैच भी जीत जाती, तो आज का मैच क्यों नहीं जीतेगी। तो कमिंस भाई देखो आपके अंदर आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काफी कॉन्फिडेंस है, लेकिन असल में अभी-अभी मेरे सामने एक वीडियो आती है जहां क्या देखने को मिलता है कि स्टार स्पोर्ट्स पे 6 एक्सपर्ट्स आए हुए थे, क्रिकेट के 6 एक्स क्रिकेटर्स थे, जिनका नाम है इयान बिशप, शेन वॉटसन, गौतम गंभीर, इरफान पठान, एरॉन फिंच और इमरान ताहिर। और इन 6 लोगों में देख रहे हो 2 जो हैं वो ऑस्ट्रेलियंस हैं। और इन 6 लोगों से जब पूछा जाता है कि फाइनल के लिए फेवरेट टीम आपकी कौन सी टीम है जो आपको लगता है ये मैच जीत सकती है, यानी वर्ल्ड कप 2023 जीत सकती है, तो इयान बिशप कहते हैं इंडिया, शेन वॉटसन कहते हैं इंडिया, गौतम गंभीर कहते हैं इंडिया, इरफान पठान कहते हैं इंडिया, एरॉन फिंच कहते हैं इंडिया और इमरान ताहिर कहते हैं इंडिया। मतलब कमिंस भाई ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा इन्होंने नहीं मार ली आपकी? खैर मैच में क्या होगा वो तो हमें अभी कुछ ही देर में पता चली जाएगा, लेकिन भाई अभी कुछ ही देर में मैच शुरू होने से पहले एक ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलने वाला है जो कसम से भैया हमको पगला देगा, भैया पागल कर देगा, क्योंकि इस दृश्य में क्या देखने को मिलने वाला है सब्र करो बताता हूँ। पर वो देखने से पहले देखो भाई बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, और मैंने तुम्हें कल बताया था तुम्हें चकदे 11 ऐप के बारे में, जहां पे भाई तुम जीतते ही जीतते हो, जहां मैंने तुम्हें कहा था कि बस तुमको टीम बनानी होती है जाके, पर यहां पे बाकी फैंटेसी ऐप की तरह ऐसा नहीं कि तुम्हारे प्लेयर्स नहीं चले तो तुम हार जाओगे, यहां जीतते ही जीतते हो, गारंटीड प्राइजेस मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा कई सारे और फायदे बताए थे कि एकदम नया ऐप है तो कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम है, तो जीतने की चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा होने वाली है, और सेम टाइम पे भाई इतने कैशबैक बोनस है ना कि तुम समेटते समेटते थक जाओगे। और कैशबैक क्या कहा था मैंने, सिर्फ नाम वाले नहीं है, बकायदा आप उन कैशबैक को यूज कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, उससे तुम समोसे खा सकते हो, जो करना चाहे कर सकते हो। और देखो भाई सबसे कमाल की बात तुमको ये बता देता हूं कि जैसे ही तुम कोई भी अमाउंट अपने वॉलेट में ऐड करोगे ना, मेरा प्रोमो कोड जोशी डाल देना, 100% कैशबैक बोनस तभी मिल जाएगा जिससे तुम खेल भी सकते हो और जैसा मैंने कहा अकाउंट में भी डाल सकते हो। और सबसे खास बात जो मैं बता चुका हूं तुमको कि भाई यहां पे गारंटीड प्राइजेस हैं, मतलब ऐसा फैंटेसी ऐप भाई ना बना है ना कोई बना सकता है, और ना ही आने वाले वक्त में भी तुम्हारे सामने ऐसा कोई ऐप आने वाला है। तो सारे ऐप यहां पे भूल जाने का, चक दे लेने जाके टीम बनाने का, और भाई इस फाइनल में क्या आगे भी यहां पे गारंटीड प्राइजेस के साथ साथ मोटा मोटा पैसा जीतने का। तो भाई जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट लिंक मौजूद है, जाके जल्दी से टीम बनाओ, उसके बाद तुम खुद कहोगे भाई इतने दिन से क्यों नहीं बता रहे थे इस ऐप के बारे में, कैसे बताते भाई, नया नया आया है और धमाल मचा के रखा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि अभी कुछ ही देर में मैच तो शुरू ही होने वाला है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को मिलने वाला है जो भाई सालों तक क्रिकेट का इतिहास याद रखेगा। वो दृश्य पता है क्या है, कि जितने भी एक्स वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टेंस हैं, जिन्होंने आज तक सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, वो सारे कैप्टेंस मैदान में मौजूद होंगे, उनको आईसीसी की तरफ से एक स्पेशल ब्लेजर दिया जाएगा। मैं नाम आपको बता देता हूं कौन कौन यहां पे देखने को मिल सकते हैं, लॉयड हो गए, कपिल देव हो गए, एलन बॉर्डर हो गए, अर्जुन राणा तुंगा हो गए, स्टीव वॉग हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, एमएस धोनी हो गए, स्टुअर्ट क्लार्क हो गए, इयान मॉर्गन हो गए। अब कोई किसी वजह से नहीं आ पाया तो अलग बात है, लेकिन ये नाम है जो यहां पे हमें देखने को मिलेंगे। इमरान खान है जिनको लेके कंफर्म है कि वो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई वो जेल में है ना, तो कहां से देखने को मिलेंगे। अरे कोई है, अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहां बंद कर दिया, और निकालो निकालो मुझे यहां से, निकालो मुझे यहां से। खैर इमरान खान भले ही देखने को ना मिले, लेकिन एक पागल क्रिकेट फैन है जो भाई इस फाइनल को देखने जरूर पहुंचने वाला है। कल के दिन एक ऐसे ही पागल फैन की तस्वीर हमारे सामने आती है जो कार से इस फाइनल को देखने जा रहा है, और भाई आप इस कार को देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों कहा कि ये एक पागल क्रिकेट फैन है, अलग ही जुनून है भाई इसका। भाई अभी अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, तो मैंने देखा कि पैट कमिंस का एक और स्टेटमेंट आ गया है इस फाइनल को लेके, और भाई इस बार बोल बदल चुके हैं। जी हां,
शब्द ही बदल लिए भाई भाई साहब ने। उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया इज अ वेल ऑलराउंडेड टीम, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस इन फ्रंट ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल। यानी अब भाई साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है एक नंबर टीम है, पूरी ऑलराउंडेड टीम है, कोई कमी नहीं है, अच्छाइयां हैं, और 1.5 लाख लोगों के सामने इंडिया को फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब आए कम इस भाई लाइन पे, पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे थे। बाकी मैं बता दूं कि आज के दिन रोहित शर्मा के पास सिर्फ वर्ल्ड कप जीत के ही इतिहास रचने का मौका नहीं होगा, बल्कि रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन भी बनेंगे। अब भी बने ही हुए हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में जहां टोटल 28 छक्के लगाए हैं, तो श्रेयस अय्यर ने 24 लगा रखे हैं, और उन्हीं का साथ दे रहे हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने भी 24 छक्के लगाए हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रोहित भाई से आगे निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और अगर कोई आगे निकल भी सकता है ना, तो वो अय्यर भाई ही हैं, अगर वो वापस से एक शतक लगा दें, क्योंकि अय्यर भाई जो है ना छक्के बहुत मारते हैं। खैर, मारने से याद आया, आपको याद होगा कि वो आईपीएल 2023 के वक्त नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच वो कांड हुआ था ना, जहां कोहली भाई ने नवीन उल हक की मार ली थी। उसके बाद भैया इसी वर्ल्ड कप में दोनों के बीच सुलह भी हो गई थी। तो कल के दिन नवीन उल हक का एक इंटरव्यू सामने आता है जो उन्होंने दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को, जहां उनसे उस पूरे सिनेरियो के बारे में पूछा जाता है, जब कोहली भाई आपसे आके हाथ मिलाए थे, आपसे गले मिले थे, तो वहां पे वो आपसे आखिर कह क्या रहे थे। तो नवीन उल हक कहते हैं कि हम दोनों मिले, हम दोनों ने हाथ मिलाया और कहा कि चलो इसको खत्म करते हैं। हालांकि कोहली भाई ने क्या ही कहा होगा, मन तो कहने का नवीन भाई का ही रहा होगा, क्योंकि भैया पूरी दुनिया इतनी मार रही थी उनकी। लेकिन यहीं पे नवीन भाई ये भी कहते हैं कि कोहली ने उनसे साथ ही साथ ये कहा था कि अब देखो कोई भी तुमको यहाँ पे कोहली कोहली कह के नहीं चिढ़ाएगा, अब तुमको क्राउड से मेरे नाम के चैंट सुनने को नहीं मिलेंगे, यानी लोग कोहली कोहली चिल्ला के तुमको यहाँ पे चिढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आज से ही जो सिनेरियो है पूरा बदल जाएगा, और ये लोग जो तुम्हें कोहली कोहली कह के चिढ़ा रहे थे, अब ये लोग तुम्हारा नाम चिल्लाएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ठीक उस मैच के बाद जहां जहां नवीन उल हक खेले, सब लोग नवीन नवीन चिल्लाते थे, यही भौकाल है नन अदर देन विराट कोहली का। बस उम्मीद करते हैं कि ये जो कोहली भाई का भौकाल है ना, ये आज के दिन भी देखने को मिले। कोहली भाई आज शतक मार दो, देखो माना कि बहुत शतक मार दिए, हम थोड़ा सा लालची हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, आपके प्रति प्यार है। और देखो मैंने ये सुबह की वीडियो में भी कहा था कि आज का वर्ल्ड कप ये तो सोच के देखना ही देखना कि इंडिया को जिताना है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की फीलिंग को भी जीवित रखना कि देखो जब तुम इन्हें देख रहे हो ना, तो शायद हो सकता है ये दोनों आखिरी बार वर्ल्ड कप में दिख रहे हो। जब हम धोनी भाई को 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में देख रहे थे, देखो किसी ने भी नहीं सोचा था, हाँ अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत देखो था कि शायद इसके बाद वो क्रिकेट खेले ना खेले, लेकिन 100% कोई भी कंफर्म मान के नहीं चल रहा था कि धोनी भाई अब नीली जर्सी में नहीं दिखेंगे। हाँ कोहली और रोहित नीली जर्सी में तो दिखेंगे, लेकिन यार वर्ल्ड कप में ना बहुत कम चांसेस हैं कि रोहित शर्मा दिखे, क्योंकि वो तो 40 साल के हो जाएंगे, तो उनके लिए आप ना ही मान सकते हैं। पर कोहली भाई भी कब संन्यास ले लें भाई, हमने बहुत कुछ क्रिकेट में होते हुए देखा है कि कोई कभी भी संन्यास ले लेता है, तो ये सोच के देखना कि आखिरी बार इनको वर्ल्ड कप में देख रहे हो, इंजॉय करना, और अगर ये दोनों शतक मार दें फिर तो इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है, लेकिन एंड गोल एक ही है, इंडिया वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि उनके खुद के शतक से ज्यादा मुझे लगता है उनको खुद भी इस बात से ज्यादा खुशी मिलेगी कि भारत ये वर्ल्ड कप जीत जाए। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको क्या लगता है, रोहित भाई की सेंचुरी आएगी या फिर कोहली भाई की या फिर दोनों की, जो भी वीडियो देख रहा है अपना गेस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि बिना एक सेकंड बर्बाद किए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से चक दे 11 ऐप को डाउनलोड कर लो, जल्दी से जाकर टीम बना लो, क्योंकि गारंटीड प्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। और ये प्राइजेस वाली बात जो है ना, ये अभी के लिए नहीं है कि भैया नया नया ऐप आया है, भाई इस ऐप की यही तो खास बात है कि यहां पे हार नहीं सकते हो, जीतना ही जीतना है। और जैसा मैंने कहा कि तुम जैसे ही कोई अमाउंट वॉलेट में ऐड करोगे, मेरा प्रोमो कोड जोश यूज कर लेना, 100% कैशबैक बोनस तुमको तभी मिल जाएगा, फिर उससे खेलो या अपने अकाउंट में डाल के समोसा मोमोस जो खाना है खाओ, मतलब कुल मिला के ऐश करने वाले हो। तो जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड करके टीम बना लेना। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।